बचाओ बेटी पढ़ा, पेड़ लगा और पेड़ बचा और पर्यावरण को बचा। जो हमारे देश में कर रहे वो अच्छा नहीं कर रहे, हमारे देश में कुछ अलग ही कर रहे। हमारे देश में जो हमारे लिए सही है वो करना चाहिए। सुना था कि पंजाबी का दिल बड़ा, लेकिन कल देख लिया सिंग इज किंग है। सब जन सोचते हैं कि बेटी कुछ कर नहीं सकती, लेकिन पहले की बेटी और आज की बेटी में बहुत सारा जमीन आसमान का अंतर है। जो बेटी मतलब बेटे कर सकते हैं वो बेटी भी कर सकती है। देश दियां बच्चियां च किन्नी हिम्मत ते हौसला है, इसकी ताज़ा मिसाल पेश कर रही है एक 10 साल की बच्ची साई पटेल, जो मुंबई तो गड्डी रस्ते अपने पिता नाल कटड़ा जम्मू पहुंची। ते कटड़ा तो कन्याकुमारी तक का सफ़र जो करीब 4000 किलोमीटर तक बनता है, साइकिल उत्ते सवार होके शुरू किया गया है। अज जद साई पटेल साइकिल उत्ते सवार होके सफ़र करती हुई गुरदासपुर पहुंची, तो इस दौरान उन्होंने पत्रकारों नाल गलबात दौरान इस संबंधी सारी जानकारी भी दी। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करते हुए बच्ची अते उसके पिता आशीष पटेल ने दसिया कि यह संदेश लैके साइकिल उत्ते कटड़ा तो कन्याकुमारी तक निकली है। 4000 किलोमीटर का लंबा सफ़र उस वालों साइकिल उत्ते ही तय किया जाएगा। अते देश अते दुनिया नूं संदेश दिता जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वातावरण नूं बचाओ पेट्रोल बचाओ अते वातावरण नूं साफ बनाओ। बच्ची ने दस्सिया कि रोजाना उसके वल्लों 100 किलोमीटर साइकिल चला के अपना सफ़र 2 महीने च पूरा किया जाएगा। मैं ये मकसद निकली हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेड़ लगा और पेड़ बचाओ और पर्यावरण को बचाओ। क्यों ये मन में ख्याल आ गया? जो हमारे देश में कर रहे वो अच्छा नहीं कर रहे, हमारे देश में कुछ अलग ही कर रहे। हमारे देश में जो हमारे लिए सही है वो करना चाहिए। अब कितने दिन के लिए निकले हो, रोज कितने किलोमीटर साइकिल चलाओगे? रोज हम लोग 100 किलोमीटर साइकिल चलाने वाले हैं और 2 महीने का ये सफर है। कितने दिन हो गए निकले हुए? अभी 3 डेज हो गए। रास्ते में क्या क्या मुश्किलें आई? रास्ते में उतनी मुश्किलें आई नहीं, क्योंकि मैं कर सकती हूँ। और जो पंजाब एंटर हुए तो पंजाबी लोग कैसे मिले? पंजाबी लोग बहुत ही अच्छे हैं। और मैं अभी हम आज रात को मतलब कल रात को हम लोग पंजाब में एंटर हुए थे, तो हम लोग टेंट लेकर बाहर सोए थे खाना पीना खा के। फिर होटल वाले अंकल बोले कि आप बाहर क्यों सो रहे हो, आप तो छोटे बच्चे हो, आप अंदर सो। तो हम लोग अंदर उन्हें अंदर सो कर लिया। और मैं वो वाले अंकल का बहुत ही थैंक यू करती हूँ। अभी याद नहीं आती? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पापा साथ हैं और मेरी मम्मा फ़ोन भी करती है मुझे। फ़ोन करते हैं। तो जब साइकिल चलाते हो तो क्या क्या सोचते जाते हो आप? मैं सोचती जाती हूँ आज हम लोग किधर पहुँचने वाले हैं क्या, आज हम लोग किधर पहुँचने वाले हैं क्या। आपकी सेहत का कौन ध्यान रखता है? मैं सेहत का बाबा ध्यान रखता हूँ। खाना पीना कैसे है साथ में? खाना हम लोग साथ ही लेकर आए हैं। क्या क्या बनाते हो रोज, क्या खाते हो? हम लोग रोज चिकन राइस और बॉयल एग्स और जो पुलाव होता है वो मतलब पुलाव मीन्स खिचड़ी भात जैसे हमारे इसमें बोलते हैं। अब जब रिकॉर्ड बना लोगे, इससे पहले भी कोई रिकॉर्ड बनाया? हाँ मैंने बनाया है। इस बार कौन सा रिकॉर्ड बनने जा रहा है? इस बार हम लोग
कश्मीर टू कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर ये वाला रिकॉर्ड पर। टीवी देख रहे थे, यूट्यूब पे सर्च किया कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल राइड, तो बोली बाबा ये मेरे को रिकॉर्ड करने का है। तो बोला दीदी ये तो 4000 किलोमीटर का रिकॉर्ड है। नहीं बाबा मैं करूँगी। तो ये रिकॉर्ड ट्रायल करने के लिए गए महीने में कश्मीर कारगिल टू कश्मीर किया, अमृतसर से अटारी बॉर्डर किया, वो दो दिन में पूरा सफ़र किया। बोला ये जो हार्ड इतना दो दिन में कर लेगी तो ये तो महाराष्ट्र के एटमॉस्फेयर और यहाँ के एटमॉस्फेयर में बहुत अंतर है। यस यस। तो कैसे मैनेज कर रहे इसको? मैनेज तो जिधर जिधर जा रहे सब लोग हमको सपोर्ट दे रहे, और बच्ची छोटी है उसके वजह से तो बहुत सारा प्यार मिल रहा है, और आप जैसे लोग मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है क्या, मतलब किधर बाहर है, घर वाला फीलिंग सब जगह आ रहा है। पंजाबियों से पहले कभी मिले थे कि या इस बार पहली बार मिल रहे हो? अगर मिल रहे हो तो कैसा लग रहा है? मैं बहुत बार पंजाबियों से, हमारे इधर भी बहुत सारे पंजाबी है, खाली सुना था कि पंजाबियों का दिल बड़ा होता है। लेकिन कल जब हम जम्मू से पठानकोट आए और उधर स्टे करने के लिए एक होटल के बाहर रुके थे, उधर खाना खाया और टेंट लगाया था बाहर, तो वो बोले कि टेंट बाहर मत लगाओ अंदर लगाओ। उन्होंने सब कुर्सी टेबल सब हटाया और हमारा टेबल अंदर लिया। तो बोला मतलब सुना था कि पंजाबी का दिल बड़ा, लेकिन कल देख लिया सिंग इज किंग है। और इसकी सेहत का कैसे ध्यान रखते, खान पान का कैसे? खाना पीना तो सब साथ लेके, और डाइट जो डाइट जो बोले वो डाइट फॉलो कर रहे हैं। और इसकी सेहत ठीक रहती है, ठीक चलता है क्या? फिलहाल तो ठीक है, और थोड़ा ठंड है इसके वजह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइड कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। और उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो लोग बेटियों को इतना बूस्टअप नहीं करते? सब जन सोचते हैं कि बेटी कुछ कर नहीं सकती, लेकिन पहले की बेटी और अभी आज की बेटी में बहुत सारा जमीन आसमान का अंतर है। जो बेटी मतलब बेटे कर सकते हैं वो बेटी भी कर सकती है। आज देखो ये 10 साल की लड़की कश्मीर से कन्याकुमारी इतना बड़ा सफ़र, जो आदमी करने को 10 बार सोचेगा गाड़ी से, वो लड़की आज साइकिल से राइड करने वाली है। तो बच्चियों को कभी कम मत आँखो, जो दर्जा बेटों का है वही बेटी का भी दे दो। दसदी की बच्ची साई पटेल अती उसके पिता का कहना है कि साइकिल रास्ते कटड़ा तो चल के कन्याकुमारी तक जाने का संदेश के नाल रिकॉर्ड कायम करना भी मकसद है। उसके पिता ने कहा कि बच्ची साई पटेल ने 8 साल की उम्र च भी उच्ची छलांग का रिकॉर्ड बनाया सी। उन्होंने कहना सी कि उन्होंने धी विच काफ़ी हौसला है, अपने टास्क ही खुद ही चुनती है। इस दे नाल ही पत्रकारां नाल गलबात करदे होए पिता ते उसकी धी ने कहा कि सुनिया सी कि पंजाब दे लोक बड़े दिल दे हुंदे ने, पर हुण पंजाब आके देख भी लिया कि पंजाबी खुले सुभा अते बड़े दिलां दे मालिक ने। उन्हां दा कहना सी कि 4000 किलोमीटर दा साइकिल उते सफर वह 2 महीने विच पूरा करनगे। गुरदासपुर तों रोहित गुप्ता, पंजाबी लोक चैनल।